तो लास्ट लेक्चर में अपन कुछ मिसलेनियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कर रहे थे, दो तीन देख लिए थे है ना, एक दो क्वेश्चंस और कराने हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस थ्री एक्स माइनस एफ ऑफ वन माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स। ठीक, जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, तो ये लिमिट निकालनी है जैसे आपको, ठीक है। तो अपन एक चीज हमेशा ऑब्जर्व करें, एक चीज दे रखी है आपको क्वेश्चन में, दे रखा है एफ ऑफ वन दे रखा है मान लो टू, और एफ डैश वन दे रखा है आपको थ्री, है ना, ये दे रखा है आपको, ठीक है जी। अब आप एक चीज को देखें कि एफ ऑफ वन प्लस थ्री एक्स में ये चीज क्या है, ये तो एक्स की तरह बिहेव कर रही है भाई, एक्स जीरो को जा रहा है ना, एक्स जीरो को जा रहा है, तो दिस इज लाइक कि वन प्लस एच एंड एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। तो अगर मुझे एफ डैश वन बनाना है तो मुझे माइनस एफ ऑफ वन चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे माइनस का एफ ऑफ वन चाहिए और डिनोमिनेटर में एच चाहिए, तो डिनोमिनेटर में एक्स है, चलो वो तो मैं थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्रिएट कर लूंगा, लेकिन मेन नीड जो मेरी है वो क्या है, मुझे माइनस एफ ऑफ वन चाहिए। तो मैंने कल या परसों जो भी क्लास में अपना वो हुआ था थ्योरम बताई थी मैंने, एक कि एक कंटिन्यूस है, एक डिफरेंशिएबल है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो जाता है, तो उसका जो प्रूफ बताया था, तो उसमें मैंने एक लॉजिक बताया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है ना, तो आप कुछ एड सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद दुकानें अलग अलग करेंगे ताकि दो लिमिट्स में वो कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो मुझे इस चीज की नीड है, तो मैंने क्या करा, मैनिपुलेट करा कि मैंने माइनस एफ ऑफ वन कर दिया और प्लस एफ ऑफ वन कर दिया न्यूमिरेटर के अंदर, फिर मैंने इसके साथ माइनस एफ ऑफ वन ले लिया, तो मैंने दुकानें अलग अलग कर दी, वन प्लस थ्री एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स, या बीच में माइनस, फिर एफ ऑफ वन माइनस थ्री एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स। हाँ जी, ऐसा लिख सकता हूं इसको, बोलो। बस, तो अब आपको फील आ गया कि अच्छा ये 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1, मतलब नीचे एच चाहिए, क्योंकि यहां जो चीज होती है ना, बेसिक डेफिनेशन आपको पता हो एफ डैश ए की, तो क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, है ना। तो जो चीज यहां है वही चीज नीचे चाहिए, तो यहां 3x है और वो जीरो को जाना चाहिए, तो नीचे 3x लगा दिया, तो 3 यहां के मल्टीप्लाई करा तो 3 डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे ही इसके साथ माइनस थ्री एक्स है भाई, आप इसको वन प्लस माइनस थ्री एक्स ट्रीट करो, तो माइनस थ्री एक्स चाहिए, तो मैंने माइनस थ्री इसको दे दिया और माइनस थ्री नीचे लगा दिया, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ये थ्री ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस थ्री एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन थ्री एक्स, और ये माइनस थ्री ऊपर चला गया, माइनस माइनस प्लस थ्री बन गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस माइनस थ्री एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन माइनस थ्री एक्स, ठीक है जी। अब यहां से पिक्चर क्लियर हो गई, ये लिखा है एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ अपॉन एच, नाउ दिस विल बी थ्री टाइम्स एफ डैश वन, एफ डैश वन, ठीक है। ऐसे ही ये जो है क्वांटिटी, ये भी क्या बन गई, थ्री टाइम्स एफ डैश वन, तो टोटल आंसर क्या आ गया, सिक्स टाइम एफ डैश वन, एंड एफ डैश वन इज थ्री, तो सिक्स इंटू थ्री आंसर विल बी 18, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है, आप अगेन एफ डैश वन दिया है तो इसको देखते हैं आप समझोगे ये जीरो को जा रहा है, तो नीचे वो फोटो क्रिएट करनी है, बगल में माइनस एफ ऑफ ए चाहिए, एड सबट्रैक्ट करके दो लिमिट में दुकानें अलग अलग करके आपने इसको डील कर लिया। ये तो है एकदम फंडामेंटल और बेसिक मेथड, और मेथड टू भी है अल्टरनेट, वो है एलएच रूल, है ना। एलएच रूल क्या कहता है भाई, एलएच तो तभी लगता है जब जीरो बाय जीरो फॉर्म, तो देखो जब एक्स जीरो को जा रहा है, जब एक्स जीरो को जा रहा है तो थ्री एक्स जीरो को जा रहा है, तो वन प्लस थ्री एक्स वन को जा रहा है, क्या अब ये जरूरी है कि आर्ग्यूमेंट वन को जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू भी एफ ऑफ वन को जाएगी,
ये तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसा तो तभी होता है जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो देखो ये भी उसने छुपा कर कह दिया है ना, बिना बताए आपको वो बता चुका है, क्योंकि फंक्शन वन पे डिफरेंशिएबल दिखा रखा है, तो वन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिकली फंक्शन वन पे कंटिन्यूस है। तो अगर वन पे कंटिन्यूस है तो अगर आर्ग्यूमेंट वन को जा रहा है तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वन को जाएगा ही जाएगा। तो ये एफ ऑफ वन को जा रहा है माइनस ये भी एफ ऑफ वन को जा रहा है, तो न्यूमिनेटर जीरो को जा रहा है, डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गई। तो एल एच लगा सकते हो, एल एच लगाओगे तो क्या आएगा, एफ डैश वन प्लस थ्री एक्स इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव थ्री, फिर माइनस एफ डैश वन माइनस थ्री एक्स इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव तो प्लस थ्री अपॉन में वन। अब अगेन ये एफ डैश वन, ये एफ डैश वन, तो सिक्स टाइम एफ डैश वन आंसर आ गया 18। ठीक है, तो ये LH है, ये बेसिक है, लेकिन LH में आपको ये समझ में आना चाहिए वो वन पे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दे रखा है ना, इसलिए हम ये लगा पाए। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? चलो छाप लो। मिटा दे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट टेंजेंट drawn to y is equals to fx at point A 2, √3 makes an angle (120°) with the negative x-axis in clockwise direction and that of y is equals to gx at b 2, 1 makes 45° anti-clockwise with positive x-axis then find limit x tends to 2 fx into gx minus root 3 upon x square minus 5x plus 5x minus 40। ठीक है जी, ये क्वेश्चन तो ये वर्बल लैंग्वेज में दे दिया है ना, जस्ट ऐसी थोड़ा लेंथी बनाने के लिए, बच्चे को थोड़ा सा इन्वॉल्व रखने के लिए, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें नहीं दी लास्ट क्वेश्चन की तरह, पर कोई खास बात नहीं, अपन समझ जाएंगे। y बराबर fx कोई फंक्शन है, ठीक है ना, y बराबर fx कोई फंक्शन है, उसके पे कोई पॉइंट है a दैट इज 2, √3, उसके ऊपर टेंजेंट बनाई, उसके ऊपर ऐसा दे दिया, उसके ऊपर टेंजेंट बनाई, नहीं सही है, सही कोई पॉइंट है a 2, √3, उसके ऊपर टेंजेंट बनाई a ने, वो टेंजेंट क्या करती है x एक्सिस के साथ नेगेटिव x एक्सिस के साथ, है ना, नेगेटिव x एक्सिस के साथ
इसको एंटी क्लॉकवाइज कर लो ना। एक सेकंड, नहीं सही है, क्लॉकवाइज सही है। नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस कौन सी होती है, ये माइनस एक्स होता है और ये एक्स होता है। तो ये लाइन नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज इधर ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर होगा है ना। तो ये एंगल आपको दे रखा है 120 डिग्री, इट मींस ये एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। और आपको पता है जो टेंजेंट की स्लोप होती है वो कैसे देखी जाती है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज अगर वो एंगल थीटा बनाती है देन टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप। तो डीवाई बाई डी एक्स एट एक्स बराबर ए, या फिर इसको हम बोलेंगे एफ डैश वैल्यू एट टू, इसके बराबर है टेन सिक्सटी डिग्री, मतलब रूट थ्री। तो आपको क्या दे दिया इसने, एफ डैश टू दे दिया। और क्योंकि वैल्यू टू पे रूट थ्री है तो एफ ऑफ टू कितना दे दिया, वो भी रूट थ्री दे दिया। ठीक है जी। नाउ एक फंक्शन है जी एक्स, उसपे कोई पॉइंट है टू कॉमा वन, उस पर टेंजेंट जो बनाते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री बनाती है, मतलब इसकी जो स्लोप है टेन 45 वो कितनी है 1, और वो किसके बराबर होगा एफ डैश जी डैश 2 के बराबर, जी की 2 पे स्लोप, और जी ऑफ 2 आपको दे दिया कितना 1। ये चार चीजें दे दी, तो ये घुमा फिरा के दी थी पिछले क्वेश्चन में, डायरेक्ट दी थी। अब ये सब हो गया अपना, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि f और g डिफरेंशिएबल है तो f और g कॉन्टिन्यूस भी होंगे, और क्योंकि अगर आप कॉन्टिन्यूस है तो x 2 को जा रहा है तो fx f 2 को ही जाएगा, तो f 2 को जाएगा तो रूट थ्री को जाएगा इंटू g 2 को जाएगा 1 को जाएगा, रूट थ्री माइनस रूट थ्री जीरो, और नीचे 4 प्लस 10 14 माइनस 14 जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म है। देखो आप कहां जा रहे हैं माइनस में, तो एफ टू कितना है रूट थ्री, जी टू कितना है रूट थ्री इंटू वन, रूट थ्री माइनस रूट थ्री जीरो ही तो होता है। ये मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो देखो अगेन, कल जो मैंने प्रूफ बताया था थ्योरम का, उसमें मैंने बताया था कि ऐसी चीजों को थोड़ा मैनिपुलेट करके, एलएच तो है ही एक तरीका, तो आप एलएच लगा दो बार लगाना पड़ेगा ना, नहीं एक बार भी हो जाएगा, हाँ एलएच लगा के हो जाएगा। बिना एलएच के बात करें तो अपन देखो इसको लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू वन लिख सकते हैं, और ये क्या दिया है आपको एफ टू, और ये दिया है जी टू। तो कल जो थ्योरम थी जिसमें प्रूफ था, मैंने कहा था एक चीज यहां से ले लो एक चीज यहां से ले लो, वो एड कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मान लो मैंने इधर से एफ एक्स ले लिया और इधर से जी टू ले लिया, तो मैं ऐसे लिखूंगा एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ टू इंटू जी टू, फिर अगेन प्लस एफ एक्स इंटू जी टू माइनस एफ एक्स इंटू जी टू, ठीक है जी। ऐसा कर दिया मैंने, नीचे जो चल रहा है वो चल रहा है। अब आप क्या करोगे, इसको एफ जी को और इसको माइनस एफ जी टू को इसको क्लब करोगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहां से रब कर रहा हूं, तो ये देखो एफ एक्स कॉमन आएगा, अंदर बचेगा जी एक्स माइनस जी टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर्टीन माइनस, इन दोनों में जी टू कॉमन ले लोगे, प्लस जी टू कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर्टी लिमिट एक्स टेंड्स टू टू। अब इसको देखते ही आपको फील आती है कि अगर नीचे एक्स माइनस टू मिल जाए तो जी एक्स माइनस जी टू अपॉन एक्स माइनस टू क्या हो जाएगा जी डैश टू। तो देखो इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स प्लस सेवन इंटू एक्स माइनस टू, इसको भी फैक्टराइज करोगे तो एक्स प्लस सेवन इंटू एक्स माइनस टू। तो ध्यान दो ये जो लिमिट है ये क्या है एफ डैश टू,
ये क्या है जी टू, और नीचे तो नॉन डिटर्मिनेंसी है ही नहीं, इनडिटर्मिनेंसी 7+2 9 प्लस, ऐसे ये वाली जो लिमिट है ये क्या बन जाएगी जी डैश टू, ये एक्स दो को जा रहा है तो एफ एक्स दो, एफ दो को जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएबल है कंटिन्यूस है, और ये भी नो, बस सारी वैल्यू रख दो। तो एफ दो की वैल्यू कितनी √3 इंटू जी डैश टू की वैल्यू 1 प्लस जी टू की वैल्यू 1 इंटू एफ डैश टू की वैल्यू √3 अपॉन 9, आंसर इज √2/9 सही है। आप लोग बिठा दे, लास्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर जो थोड़ा सा बच्चे डरते भी हैं, है ना, हालांकि अपन ऐसे समझेंगे कि अपन को एकदम स्मूथली क्वेश्चन होंगे, अपने से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और इम्पोर्टेंट भी है ना, मेंस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, खासकर आईटी में तो मतलब फेवरेट सेक्शंस में से ही आता है ये वाला पार्ट भी, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। फंक्शनल रूल दिया जाएगा आपको और फंक्शन निकालना होगा, है ना, फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे या फंक्शन निकालना हो ऐसा कुछ, है ना। तो हेडिंग डालें डिटरमिनेशन ऑफ द फंक्शन व्हेन द फंक्शनल रूल इज गिवन, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस अपन ने पहले वहां भी करे थे फंक्शंस के अंदर लास्ट में एकदम, कि फंक्शनल रूल दिया जाता था तो दो तरह के क्वेश्चन करे थे, एक तो वैल्यूज पुट पुट करके जैसे 1 से 2 आ गया, 2 से 3 आ गया, इस तरह आइडिया लेना फंक्शन का, है ना, या फिर एक्स की जगह आर्ग्यूमेंट को कुछ और रख के मैन्यूपुलेट करके एक तरफ सिर्फ एफ एक्स ले आना और बाकी सिर्फ एक्स का एक्सप्रेशन आ जाना, याद है आपको लास्ट में फंक्शनल रूल के क्वेश्चन करे थे फंक्शन के अंदर। अभी याद है भूल गए, तो उसी कैटेगरी का अब यहां पे भी क्वेश्चंस हैं, वहां वो जो क्वेश्चंस थे वो बिना डिफरेंशिएबिलिटी के हो जाते थे, अब वो कैटेगरी के क्वेश्चन करेंगे जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी का यूज होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं और मेथड वगैरह जो है उसी के बीच में ही आपको बता दूंगा। क्वेश्चन इज fx is a differentiable function which satisfy f of x plus y is equals to f of x plus f of y plus 2xy for all xy belongs to R and f of 1 is equals to 2, then find f of 4, ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं हमने। तो ये एक फंक्शनल रूल दे दिया, ठीक। तो बेसिक फंडा जो है उसको समझे, एकदम बेसिक जो फंडामेंटल मेथड है, मेथड 1, स्टेप 1, कंसीडर f dash x, देखो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच होगा कि नहीं होगा? भाई एक्स की जगह अगर मैं ए रख दूं तो एफ डैश ए आपने पढ़ा है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, तो इन जनरल अगर ए की जगह कोई एक्स है, इन जनरल एक्स है, तो उस पॉइंट पे उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ये बात सबको क्लियर है? तो हर क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप आप यही लिखेंगे। नाउ स्टेप टू, अप्लाई गिवन फंक्शनल रूल, अप्लाई गिवन फंक्शनल रूल। तो अब देखो x प्लस एच, तो इसको x प्लस वाई मान के एफ एक्स प्लस एफ एच प्लस टू एच एक्स एक्स एच लगा सकते हो। तो आप इसको खोल दोगे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस टू एक्स एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, या आप सीधा देख सकते थे कि इसको इधर लाके तो भी आप बोल सकते थे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एच प्लस टू एक्स एच, वो एक ही बात है, ये बाद में कट गया। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कैसे भी अप्लाई करो, बस गिवन रूल को अप्लाई करना है। कई बार डायरेक्ट देख के अप्लाई करना इजी नहीं होगा, तो कोई ना कोई मैन्युपुलेशन करनी पड़ेगी ना। तो अब क्या करना होता है आपको, स्टेप थ्री, ट्राई टू कन्वर्ट राइट हैंड साइड इंटू इन टर्म्स ऑफ एक्स और एफ एक्स विथ एनी कॉन्स्टेंट इफ इट इज, मतलब कोई कॉन्स्टेंट वगैरह साथ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो राइट साइड है ना वो कोई कॉन्स्टेंट आ जाए या कॉन्स्टेंट इंटू एक्स आ जाए या कॉन्स्टेंट इंटू एफ एक्स आ जाए, मतलब एफ एक्स और एक्स के फंक्शन में आने चाहिए अल्टीमेटली। तो दोबारा से देखें अगले स्टेप को, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब आप थोड़ा सा समझदारी दिखाएं तो देखो ये बन जाएगा एफ ऑफ एच अपॉन एच प्लस ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू एक्स एच अपॉन एच। तो देखो ये एच और एक्स तो कट गया, तो यहां से क्या आ गया टू एक्स, क्योंकि लिमिटिंग वेरिएबल तो एक्स है, लिमिटिंग वेरिएबल तो एच है, तो एक्स तो कॉन्स्टेंट है, तो टू एक्स कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और लिमिट बना गई। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, राइट हैंड साइड को x के टर्म्स में लाने की कोशिश करें, बाकी कोई कॉन्स्टेंट वगैरह आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये क्या है, ये फंस गया, अभी तक तो हमें ये पता ही नहीं ना ये चीज है क्या, क्या ये कोई कॉन्स्टेंट है या कोई x के टर्म्स में लाई जा सकती है। तो नाउ फोकस ऑन दिस, सारी शिकारी आंखें इसके ऊपर लगानी है कि सर ये क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन कल हमने करे थे लास्ट में थोड़े बहुत, जिसमें मैंने कहा था इसी चीज का यूज आज वाले क्वेश्चन में होने वाला है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें है ना कि f डैश a क्या होता है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ठीक है जी, अब देखो यहां पे f के अंदर a प्लस h की से कंपेयर करोगे तो आपको दिख रहा है a बराबर तो जीरो हो गया, तो फिर एफ डैश जीरो की बात करें तो एफ डैश जीरो क्या हो सकता है, एफ डैश जीरो क्या होगा, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। तो सर यहां एफ ऑफ जीरो की कमी नजर आ रही है मुझे, अगर ये होता तो मैं इस चीज को क्या बोल देता, एफ डैश जीरो, और क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश जीरो पे भी कोई वैल्यू होगी तो उसको मैं क्या बोल देता, के एनी कॉन्स्टेंट। तो देखो राइट साइड पूरी कॉन्स्टेंट में आ गई, एक्स और एक्स के टर्म्स में आ गई, के प्लस टू एक्स। लेकिन ये तो मैं सोच रहा हूं अभी कि ऐसा होता तो मजा आ जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, है सिर्फ ये। पहले तो आपने खोपड़ी लड़ाई इसको इससे कंपेयर करके कि ए की वैल्यू आपने सोचा, क्या पता ये एफ डैश जीरो बन जाए, फिर क्या पता एफ डैश जीरो बन जाए, तो एफ डैश जीरो बनने के लिए तो भैया ये तामझाम चाहिए। तो नाउ अगेन दूसरी शिकारी आंख किस पे रखोगे, एफ जीरो पे। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, एफ जीरो के। और ऐसे खेल अपन पहले भी कर चुके हैं,
जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, एक्स वाई दोनों को जीरो रख दो एफ जीरो निकालने के लिए, जरूरी नहीं है आ जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाएगा, नहीं तो कुछ और कर देंगे। तो इसको निकालने के लिए मैंने क्या करा, एक्स बराबर वाई बराबर जीरो पुट कर दिया इन फंक्शनल रूल, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो देखो एक्स जीरो वाई जीरो रखोगे तो यहां से आएगा एफ ऑफ जीरो बराबर एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो, तो ये कट गया, तो एफ ऑफ जीरो क्या आ गया जीरो। अच्छा अब समझ में आ गया, यहां माइनस जीरो है, जीरो तो भाई, इस जीरो को क्या बोल दिया एफ जीरो और इसको क्या बोल दिया एफ डैश जीरो। नाउ योर इक्वेशन विल लुक लाइक एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश जीरो प्लस टू एक्स, और एफ डैश जीरो तो एक कॉन्स्टेंट है तो आप इसको लिख सकते हो के प्लस टू एक्स। हाँ भाई, यहां तक की बात में किसी को कोई तरह की परेशानी, फंडा है, जनरल मेथड एकदम तमीज है ना, सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली क्या मतलब कॉन्सेप्चुअल और लीगली सब यही है ना, अभी जुगाड़ भी बताएंगे आपको, लेकिन ये समझना जरूरी है कि सबसे पहले ये लिखोगे एफ डैश एक्स, बिकॉज आप एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करके बाद में एफ एक्स निकालने वाले हो, फिर उसमें गिवन रूल को अप्लाई करना है कैसे तैसे, फिर आपकी कोशिश होगी राइट साइड को आप कॉन्स्टेंट या एक्स के टर्म्स में लाना है, तो एक टर्म तो आ गया एक टर्म नहीं आया, तो ये हमेशा एफ डैश जीरो या एफ डैश वन या एफ डैश समथिंग में बनेगा, उसके लिए आपने खोपड़ी लड़ाई की, ये तो ये होना चाहिए। फिर आपने एफ जीरो की तलाश की, वो आपने फंक्शन रूल में जीरो जीरो पुट करके पता करा एफ ऑफ जीरो जीरो है, फिर आपने जीरो को एफ ऑफ जीरो लिख के पहचानी, अच्छा ये तो एफ डैश जीरो लिखा है, मतलब आपकी इक्वेशन यहां आ गई एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश जीरो एंड एफ डैश जीरो इज एनी कांस्टेंट सो लेट इट के। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज के प्लस टू एक्स, इसमें कोई परेशानी अभी बोलो किसी को कोई परेशानी, चलो ये बता दो ठीक है जी। अब यहां पे आ गए अपन, अब यहां आने के बाद तो काम आसान हो गया अपना काफी, एफ डैश एक्स बराबर के प्लस टू एक्स। नाउ दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हालांकि पूरा चैप्टर है अपन पढ़ेंगे बाद में, लेकिन छोटा छोटा मोटा इंटीग्रेशन तो करना आपको आता है, फिजिक्स में इतना पढ़ लिया आपने है ना, डेढ़ साल से पढ़ रहे हो, तो ये छोटा मोटा इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे। अगर कोई मैथ्स के हिसाब से कोई अच्छा क्वेश्चन फंस गया तो वो अभी नहीं कर पाओगे, फिर उसके लिए आप जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लोगे तो वहां पे जो पर्टिकुलर टाइप के मैथ्स के इंटीग्रल के क्वेश्चन आते हैं, खासकर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस वाले, तो वो सब आप मैथ्स के अकॉर्डिंग कर पाओगे, वो आपको फिजिक्स में नहीं पढ़ाया जाता। तो अल्टीमेटली जो भी है कहानी की मुद्दे की बात यह कि यहां एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, तो स्टेप फोर क्या आएगा, नाउ सॉल्व द ऑब्टेन्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द ऑब्टेन्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड गेट एफ एक्स बाय इंटीग्रेटिंग इट। एफ एक्स निकालना है विद कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जानते हो ना भाई, इंटीग्रेट करेंगे तो सी आता है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान दो ये क्या लिखा है, डी वाई बाय डी एक्स मतलब डी एफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू के प्लस टू एक्स। आप डी एक्स को इधर ले जाओगे तो ये क्या लिखा है, के एक्स डी एक्स प्लस टू एक्स डी एक्स। आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो यहां से आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। हाँ जी, इतना इंटीग्रेशन तो आता है, ठीक yes, यहां आ गए हम। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज यूज बाउंड्री कंडीशंस टू गेट कॉन्स्टेंट्स। अब आपको के और सी निकालने हैं तो आपको बाउंड्री कंडीशंस यूज करनी है, तो सबसे पहले तो आपको यही पता है कि एफ ऑफ जीरो जीरो है, तो क्योंकि एफ ऑफ जीरो जीरो है तो एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो प्लस जीरो प्लस सी, तो यहां से क्या आ गया, सी बराबर जीरो आ गया, तो फंक्शन आपका क्या आ गया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। हां जी, अब देखो क्वेश्चन में अगर ये इंफॉर्मेशन ना दी होती कि वन पे वैल्यू टू है तो बस आपका ये आंसर आ जाता, के कुछ भी होता, जीरो वन टू थ्री, अलग अलग के लिए अलग अलग फंक्शन इसको सेटिस्फाई करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये एक फैमिली ऑफ फंक्शन आ जाता।
लेकिन क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है तो आपका के भी निकलेगा, क्योंकि गिवन है आपको एफ ओ वन कितना है 2, तो यहां से सॉल्व कर लो 2 बराबर 1 प्लस के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो फंक्शन कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका फाइनली फंक्शन आ गया। अब आपसे जो पूछा है वो कर लो, एफ ओ फोर पूछा है तो एफ ओ फोर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 प्लस 4 20 आ जाएगी। हाँ जी, पूरी कहानी समझ में आ जानी चाहिए, कहीं कहीं किसी तरह का किसी स्टेप पे संकोच नहीं रहना चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन अगर आपने ये समझ लिया तो आप इसको करने लायक हो जाएंगे। बोर्ड्स वोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, हाँ मेंस में आ जाते हैं, क्यों पहले आईटी में आते हैं ना मेंस वाले, फिर तुम्हें पता है अब थोड़ा सा अपना लेवल दिखाने के लिए आजकल आईटी के क्वेश्चन उठाते हैं, तो अब मेंस में ऐसे आ जाते हैं इजी वाले। हाँ भाई क्लियर है सबको? यस यस। चलो मिटा दें फिर। यस सर। अब अपने पास इसका एक जुगाड़ी मेथड भी है ना, मेथड 2 बाय डिफरेंशिएशन, इससे काम थोड़ा इजी हो जाता है, वो है बेसिक सब्जेक्टिव मेथड है ना, ये है जुगाड़। मतलब आईटी सब्जेक्टिव होता तो आप इससे नहीं कर सकते थे, उससे ही करना था आपको। और इससे क्या करना है, इससे हमेशा आपको क्या करना है, किसी एक को कौन से, देखो ये इक्वेशन क्या हमेशा ट्रू है ना, कोई भी एक्स वाई इसमें रखो तो ये हमेशा ट्रू है। तो सपोज मैंने कहा वाई की वैल्यू 1 रख दो, सपोज है ना, वाई की वैल्यू कोई कॉन्स्टेंट रख दी मैंने के मान लो, तो ये क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस के बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ के प्लस 2xk। तो अगर मैं अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो के तो कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा ना, के तो मैंने फिक्स कर दिया because this equation is true for all x, y belongs to R. तो मैंने y की वैल्यू भर दी, x की नहीं भरी, x को वेरिएबल छोड़ दिया, तो अगर मैं अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो y कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो जो स्टेप वन है इसमें वो यही है कि डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x बाय ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट। वो आपकी इच्छा है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, आप x को कॉन्स्टेंट रख के y के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो मान लो मैं डिफरेंशिएट कर दिया, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो f डैश x प्लस y इंटू x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का 0 इज इक्वल टू, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो f डैश x प्लस ये y का डिफरेंशिएट तो 0 आ जाएगा f y का, और 2y कॉन्स्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर क्या आएगा 2y। तो ये आ गई इक्वेशन, ठीक है जी। अब इसमें क्योंकि x और y कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने क्या करा इसमें सिंगल वेरिएबल में लाने की कोशिश करी, क्योंकि अगर सिंगल वेरिएबल में आ गई इक्वेशन तो मान लो y में भी आ गई तो बाद में y की जगह x रख दो कि क्या फर्क पड़ता है, फंक्शनल इक्वेशन तो आ जाएगी आपकी। तो मैंने क्या करा x को 0 पुट कर दिया, x को 0 पुट करने से क्या हो गया, ये बन गया f डैश y इज इक्वल टू f डैश 0 प्लस 2y, ठीक है जी। तो अब y को x रख दो तो आ गया f डैश x बराबर f डैश 0 क्या हो गया कॉन्स्टेंट k प्लस 2x, यही आया था इतना माथा मारने के बाद भी, बोलो भी पिछले मेथड से करने से भी यही आई थी f डैश x की इक्वेशन बस। यस सर। नाउ प्रोसीड जैसा पिछली बार किया, इंटीग्रेट करो, कॉन्स्टेंट आएंगे, कॉन्स्टेंट निकालो, 0 0 रख के निकालो, एक वैल्यू दे रखी है उससे निकालो, फंक्शन आ जाएगा, फिर 4 रख दो आंसर आ जाएगा। कुल मिला के ये इक्वेशन जो लिमिट लगा के थोड़ा टाइम लगता है वो इस मेथड से जल्दी आ जाती है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर है तो अपन इससे करें जल्दी आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है, ठीक है जी। तो दो तरीके हैं, बेसिक एंड डिफरेंशिएशन मेथड। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। चलो तो बस अब इस पे दो चार पांच क्वेश्चन कर लेते हैं अपन,
और उसके बाद कहानी खत्म इसकी। अबे मिटा दे इसे। एफ इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन विच सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। If limit x tends to 0, fx upon x is 1, then find f of 3. ठीक है, तो देखो बेसिक से जाएंगे, पहले अपन बेसिक से करते हैं ना कि लिमिट f डैश x क्या होगा। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो देखो इसको मैंने माइनस एफ एक्स करके इसको आप ये लिख सकते हो, तो ये बन गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एच स्क्वायर अपॉन एच। इसको सेपरेट करोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो यह आएगा एफ एच अपॉन एच प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो यह आएगा एक्स एच। ये लिमिट जीरो हो गई, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये लिमिट आपको दे रखी है क्या वन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया एफ डैश एक्स। इंटीग्रेट करोगे तो एफ एक्स क्या आ जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस सी। सी निकालने के लिए क्या करोगे, कोई एक वैल्यू निकाल लो, तो दोनों को एक्स जीरो वाई जीरो रख दो, एक्स बराबर वाई जीरो रख दो, तो एफ ऑफ जीरो माइनस बराबर माइनस एफ ऑफ जीरो बराबर एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। तो एफ ऑफ जीरो क्या आ गया जीरो आ गया, तो यहां से क्या आ गया सी बराबर जीरो आ गया, तो एफ एक्स क्या आ गया एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री आ गया। तीन पे वैल्यू पूछी है तो तीन प्लस नो बारह आ गया, कोई परेशानी। मेथड टू से करोगे डिफरेंशिएट कर दो ना, एक्चुअली ये थी इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो ना, डी वाई बाय डी एक्स की जगह पार्शियल को लिखते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है ना। तो पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया तो एफ डैश एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस जीरो प्लस 2xy plus y square, ठीक है। x को जीरो रख दिया, x को जीरो रख दिया तो f डैश y बराबर f डैश जीरो प्लस ये जीरो हो गया y square। नाउ f डैश जीरो निकालना है, तो एफ डैश जीरो के बारे में थोड़ा दिमाग यहां लगाओगे तो आप सोचोगे एफ डैश जीरो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। एफ ऑफ जीरो फिर आप निकाल के देखोगे एक्स बराबर वाई बराबर जीरो करके, तो एफ ऑफ जीरो क्या आ गया जीरो, मतलब आपको पता चला कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स ही क्या है एफ डैश जीरो, मतलब यही एफ डैश जीरो है, वो किसके बराबर है वन के बराबर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वन वन प्लस वाई स्क्वायर। नाउ वाई को जगह एक्स रख दोगे तो फंक्शन एफ डैश क्या आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर।
सही है। अबे बिठा दे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, fx a differential function which satisfies this equation, rule x y belongs to R and f dash 0 is given as this, then find fx and prove that fx is always greater than 0 for all x belongs to R। ठीक है, बेसिक से भी कर सकते हो है ना, और उससे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी करो। चलो मैं पहले बेसिक से कर देता हूँ। एक और क्वेश्चन, लिमिट h टेंड्स टू 0, f dash x बराबर f of x plus h minus f of x upon h, ये किसके बराबर आ जाएगा? f of h plus 2xh minus 1 upon h, limit h tends to 0। अब आप ध्यान से देखो, limit h tends to 0, fh minus 1 upon h अलग कर लिया, plus limit h tends to 0, 2xh upon h अलग कर लिया, ये कट के तो ये लिमिट तो 2x आ गई। ये माइनस वन बाई एच आप समझ गए होंगे क्यों अलग नहीं करा, क्योंकि वो इन्फिनिटी आएगा उसको कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब वो इसी के साथ एडजस्ट होगा। तो इसको देख के फील आ रही है कि अगर f 0 1 होता है, इफ f 0 1 होता है, तो ये लिखा है एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, तो ये बन जाएगा एफ डैश जीरो। ये बात समझ में आ रही है? उल्टा सोचना कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, तो ये मतलब एफ डैश जीरो होगा। तो फाइंड करो क्या, एफ ऑफ जीरो, तो x बराबर y बराबर 0 पुट करा, तो f ऑफ 0 बराबर f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस 0 माइनस 1, तो यहां से क्या आ गया, f ऑफ 0 1 आ गया। मतलब ये f1 को f ऑफ 0 लिख दिया, मतलब ये बन गया f डैश 0, तो दिस इज f डैश 0 प्लस 2x, ये आ गया आपका f डैश x। कोई दिक्कत? एफ डैश एक्स क्या आ गया आपका 2x प्लस एफ डैश 0, तो इंटीग्रेट करोगे एफ एक्स तो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एफ डैश 0 इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, सी निकालना है, एफ डैश 0 तो दे ही रखा है, सी निकालना है। C निकालने के लिए ना आप क्या यूज करोगे, f ऑफ 0 कितना है 1, f ऑफ 0 कितना है 1, तो f 0 0, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई।
तो अगेन एफ एक्स क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ में ये रूट ऑफ थ्री प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, ये आ गया एफ एक्स, ये वाले पार्ट का आंसर आ गया। नाउ आपको क्या दिखाना है, ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेटिक है, कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होती है, जब ए ग्रेटर देन जीरो होता है, डी लेस देन जीरो होता है। तो देखो लीडिंग कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है, तो बच्चा क्या क्या प्रूव करना है, डी लेस देन जीरो है तो इसका डी निकालो, इसका डी निकालोगे तो बी स्क्वायर, तो थ्री प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये डी आ गया डी। अब इसको आप ध्यान से देखो, ये लिखा है थ्री प्लस माइनस वन प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, माइनस कॉमन आ गया तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, ये आ गया डी। अगर ये हमेशा लेस देन जीरो है तो ए पॉजिटिव है, डी लेस देन जीरो है, मतलब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, ये प्रूव हो जाएगा। अब इस चीज को शो करना है क्या ये हमेशा लेस देन जीरो है, तो आप सोचो अगेन ये खुद एक क्वांटिटी है, ये खुद एक क्वांटिटी है जिसका लीडिंग कोफिशियंट तो जीरो से बड़ा है और इसका डी निकालोगे वो लेस देन जीरो है, वन माइनस फोर माइनस थ्री आएगा। तो ये एक पैराबोला है ए में जिसका लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव है और डी लेस देन जीरो है, तो क्या ये हमेशा अपवर्ड पैराबोला होगा, तो क्या ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी तो आगे माइनस लग गया, मतलब डी हमेशा लेस देन जीरो हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हाँ जी बात समझ में आ गई, क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक थी ये, पहले इसका डी निकाला वो एक क्वाड्रेटिक निकालनी थी, उसके बाद फिर जो डी आया वो एक क्वाड्रेटिक है, उसका डी लेस देन जीरो ए पॉजिटिव करके हमने शो कर दिया, वो हमेशा पॉजिटिव है, उसके आगे माइनस है, मतलब ये हमेशा नेगेटिव है, ये हमेशा नेगेटिव है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ये पैराबोला हमेशा पॉजिटिव है। हाँ जी क्लियर है, बहुत अच्छा। चलो बता दे, नेक्स्ट एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ टू एक्स प्लस थ्री वाई फाइव इज इक्वल टू टू टाइम एफ एक्स प्लस थ्री टाइम एफ वाई बाय फाइव फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एफ ओ वन टू दिया है, एफ डैश वन वन दिया है, एफ एक्स पूछा है आपसे, हाँ जी। तो देखो सॉल्यूशन जब करोगे तो मेथड वन तो है बेसिक, वो आप ट्राई कर लेना, मेथड टू है डिफरेंशिएशन, ठीक है वो मैं फटाफट आपको करके आंसर निकाल देता हूँ, फिर इसमें जो सीखने वाली चीज है वो मेथड थ्री है, वो सिर्फ इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में लगेगा, बाकियों में नहीं लगेगा, है ना, वो भी एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है कि हाँ आप देखते फंक्शन की फील करके आप उसको समझ गए कि ये क्या चीज होगी, अदरवाइज नहीं लगा सकते फिर आप, ठीक है। तो मैं पहले आंसर निकाल दूं आपको, ताकि आपको वो ना आए तो आपको लगे आंसर तो इससे आया ही जा सकता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो टू एक्स प्लस थ्री वाई बाय फाइव करोगे तो इंटू टू बाय फाइव आएगा,
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इधर वाई वाला तो जीरो हो जाएगा, टू इंटू एफ डैश एक्स बाय फाइव आएगा, ये कट गया। तो यहां से देखो एफ डैश टू एक्स प्लस थ्री वाई बाय फाइव बराबर क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। बोलो अब एक्स की जगह क्या रख दें, जीरो रख दें, एक्स की जगह जीरो रख दोगे तो एफ डैश थ्री वाई बाय फाइव बराबर क्या आ गया, एफ डैश जीरो। अब देखो आपको एफ डैश के अंदर क्या चाहिए होता है, सिंगल आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है एक्स, तो मैं वाई को क्या रख रहा हूं, फाइव बाय थ्री एक्स रख रहा हूं, वाई को फाइव बाय थ्री एक्स रख रहा हूं ताकि अंदर बन जाए एफ डैश एक्स, और ये तो एफ डैश जीरो ही रहेगा। तो देखो एफ डैश जीरो क्या होता है, कॉन्स्टेंट बराबर के, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया के, तो एफ एक्स बराबर क्या आएगा के एक्स प्लस सी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। बोलो वन पे वैल्यू कितनी है, टू, एफ डैश वन कितना है वन, तो यहां से देखो पहले तो एफ डैश वन कितना है के, और वो कितना है वन, तो के की वैल्यू कितनी आ गई वन। उसके बाद एफ ऑफ वन कितना है टू, तो एफ ऑफ वन कितना टू, के की वैल्यू कितनी वन और एक्स की वैल्यू वन प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई वन, तो आंसर क्या आ गया आपका एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन आ गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब आप तीसरा मेथड सुनो जो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम में लगेगा, ये जस्ट फीलिंग के ऊपर है कि आप फंक्शंस को कितना समझते हो। आप दुनिया का कोई भी फंक्शन ले लो, मान लो देखो ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है एक्स कोमा एफ एक्स, ठीक है, ये पॉइंट है वाई कोमा एफ वाई, ठीक है, मैंने इन दोनों को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन बनाई है अपनी तरफ से, और उस पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं सेक्शन फॉर्मूला से जो इसको 2:3 के रेशो में बांट रहा है, ठीक है ना, यहां से 3:2 के रेशो में बांटने वाला मैंने एक पॉइंट ले लिया, 3:2 के रेशो में बांटने वाला, तो वो क्या होगा 3y into 2x, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2x + 3y/5 कोमा 2 times fx + 3 times fy/5। हाँ भाई ये वाले कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के होंगे कि नहीं होंगे, ठीक। अब मान लो आपका फंक्शन अगर ऐसा है, ऐसा ऐसा, तो इसके ऊपर अगर मैं सीधा चलूंगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 2x + 3y/5 कोमा f(2x + 3y/5, ठीक है जी। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि f(2x + 3y/5 हमेशा 2fx + 3y/5 के बराबर है, तो ऐसा तो तभी होगा ना कि जब ये आपका फंक्शन ये स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि अगर उसमें हल्का सा भी यू बेंड आ गया तो वो फंक्शन का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो ऊपर चला जाएगा, या फिर मान लो फंक्शन ऐसा हो गया आपका ऐसा नीचे, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ये वाला ये नीचे आ जाएगा, तो वो जो f(2x + 3y/5 है वो इस केस में इससे छोटा हो जाएगा और ये इस केस में इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये कह रहा है ये इसके हमेशा बराबर है, तो ऐसा तभी होगा जब वो स्ट्रेट लाइन होगी। क्या ये बात आपको समझ में आती है? Yes, sir. बस अगर ये समझ में आती है तो स्ट्रेट लाइन का क्या हो गया, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, खत्म बात। एम क्या होती है, स्लोप, वो क्या दे रखी है वन, तो एक्स प्लस सी, वन पे वैल्यू कितनी दे रखी है दो, तो दो बराबर वन प्लस सी, तो सी भी कितना आ गया वन, तो वाई बराबर एक्स प्लस वन ग्राफ आ गया। This is the alternate method only valid for this type of questions when you find that function has to be a straight line, ठीक है ना, otherwise ये लगाओ मस्त हो गया, क्या दिक्कत है, सही है। हाँ भाई क्लियर है सबको? Yes, sir. छाप लिया तो मिटा दे। Yes, sir. चलो
चलो ठीक है, मान लो क्वेश्चन आ गया fx इज डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r प्लस देन फाइंड fx, है ना। तो इसमें कुछ बड़ी वैल्यू वगैरह नहीं थी, मतलब कुछ जनरल सॉल्यूशन टाइप आएगा ना, देखते हैं। बेसिक से ही चलते हैं। f' x क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब देखो फंक्शनल रूल लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी आपको, अब तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सिंपल x प्लस एच एक्स प्लस एच, यहां ऐसा कुछ है ही नहीं कि आर्ग्यूमेंट के अंदर x प्लस एच हो, कहां है? तो कोई बताएगा खोपड़ी कैसे लगाएं, कैसे लगाएं सर बेसिक? तो देखो दिमाग ऐसे लगाना पड़ेगा, दो प्रोडक्ट को आप स्प्लिट कर सकते हो या दो स्प्लिट को क्लब कर सकते हो, लेकिन बीच में प्लस चाहिए या बीच में माइनस है, तो आप उल्टा ऐसे सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई को, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको एफ ऑफ एक्स इंटू वन प्लस एच बाय एक्स लिख सकते हो। यह आपका एक्स का काम करेगा और यह आपका वाई का काम करेगा। तो आप इसको खोल दोगे क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई वन प्लस एच बाय एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो इसीलिए देखो ये तो बहुत छोटा सा था, ऐसे कई बड़े क्वेश्चंस में लिमिट लगाना थोड़ा भारी हो जाता है, इसलिए दूसरा मेथड बताया डिफरेंशिएशन मेथड की जल्दी आंसर आ जाए उससे। ये कट गया, नाउ दिस इज लिमिट h tends to 0 f of 1 plus h by x। अभी आज ही मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं कि 1 plus something और वो something tends to 0 हो तो आपको नीचे वही something लगाना h by x into x, लेकिन माइनस क्या यहां पे f of 1 है, वो तो है नहीं, तो दिमाग में आना चाहिए पहले f of 1 चेक करो। तो देखो मैंने यहां पे x और y दोनों 1 पुट कर दिए, तो f of 1 बराबर f of 1 plus f of 1, तो यहां से क्या पता चल गया f of 1 क्या आ गया 0। अच्छा तो इसलिए ये जो माइनस कुछ नहीं था, जीरो था, इसको मैंने लिख दिया एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ ओ वन अपॉन एच बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स, दिस लिमिट विल बिकम एफ डैश वन। तो ये क्या आ गया एफ डैश वन इंटू वन बाई एक्स, और एफ डैश वन को आप क्या बोल सकते हो के बाय एक्स, ये आ गया एफ डैश एक्स। हाँ जी, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया के बाय एक्स आ गया या नहीं आया? ठीक है, तो अब देखो एफ डैश एक्स मतलब डी एफ एक्स बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू के बाय एक्स, तो डी एफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू डी एक्स बाय एक्स, इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा एफ एक्स बराबर के टाइम्स एल एन एक्स प्लस सी, और क्योंकि एफ ऑफ वन जीरो है तो जीरो बराबर जीरो प्लस सी, तो सी कितना आ गया जीरो, तो फंक्शन कितना आया के एल एन एक्स। ठीक है जी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब अगर कोई वैल्यू पे फलानी वैल्यू दी जाती तो के भी आ जाता, अदरवाइज ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। हाँ जी, तो एक चीज और आप भूल रहे हैं कि जरूरी नहीं है आंसर हमेशा एल एन एक्स की फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि के जीरो भी हो सकता है ना, तो या तो फंक्शन ये आएगा या फिर फंक्शन जीरो आएगा। अब ध्यान से देखो,
अगर फंक्शन जीरो हुआ तो जीरो इंटू जीरो बराबर जीरो प्लस जीरो बराबर सही है, हमेशा वैलिड है, मतलब वाई बराबर जीरो फंक्शन हुआ तो ये वाला रूल हमेशा फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, कर रहा है, क्या दिक्कत है? तो फंक्शन जीरो भी इसका आंसर होगा, जिसको अपन बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना, मतलब वो एक स्पेशल केस जो हम इसमें मिस कर देते हैं। ये मैंने क्यों बताया, अब आप दोबारा सुनो मेरी बात, आपको याद होगा जब फंक्शन के अंदर मैंने फंक्शनल वाले इक्वेशन कराए थे तो मैंने आपको लास्ट में कुछ पर्टिकुलर 5-7 फंक्शनल रूल लिख के उसके फंक्शन स्टैंडर्ड याद करने को कहा था, याद है किसी को? Yes, जिसमें कुछ एग्जांपल से जैसे एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई तो फंक्शन होगा ए की पावर एक्स वाला, है ना, इस तरह के मैंने कुछ केसेस बताए थे। तो वो जो मैंने केसेस बताए थे ना, वहां मैंने कहा था वो आप अगर स्टैंडर्ड केस हो तो आप यूज कर लिया करना ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, सब्जेक्टिव है तो आप नहीं कर सकते ऐसे भाई, आप कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके थोड़ी प्रूफ कर दोगे, आप ये थोड़ी प्रूफ कर रहे हो कि इसके अलावा दुनिया में कोई और फंक्शन नहीं है जो ये सेटिस्फाई ना करता हो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है और आपकी सारी कंडीशन फेवरेबल है, मतलब क्वेश्चन में जो जो शब्द लिखा है आपका वो एज्यूम किया हुआ फंक्शन सब फॉलो कर रहा है, डिफरेंशिएबल लिखा है तो ये भी कर रहा है, यहां वैल्यू फलाने पे दे रखी है वो भी फॉलो कर रहा है, सब कर रहा है, सब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच से वो फंक्शन लेके गेम खेल सकते हो, सब्जेक्टिवली ऐसा वैलिड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वहां जो मैंने वो लिखे थे वो आए कहां से थे? वो ऐसे आए थे, वो ऐसे डिराइव किए गए थे, तो देखो उनमें एक ये भी था, आप अपने कॉपी के पन्ने पलट के देखना पीछे, तो उनमें से ये भी था कि एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई हो तो आप तुरंत पहचान जाना फंक्शन के एल एन एक्स होगा, क्यों? एल एन एक्स प्लस एल एन वाई बराबर एल एन ऑफ एक्स वाई, याद है ना, के कॉमन आ जाएगा तो के एल एन एक्स चलेगा, लेकिन अब बेसिक प्रूफ करके जब आप चलते हो तो आपको पता चल रहा है कि एक केस एफ एक्स बराबर जीरो वाला भी है, तो आपको दोनों आंसर देने पड़ेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन में वो मेंशन कर दे कि एफ एक्स इज अ नॉन जीरो डिफरेंशिएबल फंक्शन, नॉन जीरो फंक्शन मतलब हमेशा जीरो नहीं है, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। हालांकि मेंस वेंस में इतना ज्यादा दोनों चीजों पे गौर नहीं करते हैं, वो मोटा मोटा यही मान के चलते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं हकीकत में ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बात क्लियर है? तो टोटली हमने क्या क्या बातें सीखी, पहला तो हमेशा बेसिक लिमिट लगाओ आंसर लगाओ, दूसरा डेरिवेटिव मेथड बढ़िया एकदम पार्शियल डिफरेंशिएट करो आंसर निकालो, तीसरा वो स्ट्रेट लाइन वाला केस आ जाए तो अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो वो कर लिया, चौथा ये कि अगर ये जो स्टैंडर्ड केस जो मैंने वहां लिखाए थे वो मैं दोबारा लिखा रहा हूं आपको, कि अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली, और सारी कंडीशन आपकी क्वेश्चन में फुलफिल होती है तो आप रैंडमली देखते ही अगर आपको देखा यार ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना अपने वाला स्टैंडर्ड फंक्शनल रूल है तो आपको उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, डिराइव करके जो आता है वो मैं पहले अब आपके लिख के बता रहा हूं जो मैं पहले भी लिखा चुका हूं, तो आप उसको देखते ही उस फंक्शन को एज्यूम करके क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हो, तो एक ये भी मेथड हो गया। लेकिन ये लगेगा कब, जब जो अपने 5-6 रूल लिख रहे हैं बस उन्हीं को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शनल रूल आएंगे तो आपकी किस्मत है, मेंस वगैरह में आ गया स्टैंडर्ड तो ठीक है, आईटी में तो आएगा नहीं ऐसा किस्सा बेटा, मेंस वगैरह में कभी आ गया तो ठीक है आप तुरंत 1-2 मिनट बचा सकते हो, क्लियर है सबको? हां जी, तो बस मैं वो 5-4 फंक्शनल रूल जो है वो फटाफट लिख रहा हूं, अब उसको छाप लें। स्टैंडर्ड फंक्शंस फंक्शनल फंक्शन सेटिस्फाइंग गिवन रूल्स, जैसे मान लो पहला ले लिया मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर होल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो आपको याद हो तो आप बताओगे कि ऐसा किसके साथ होता था? नहीं, चलो नहीं याद तो ड्राइव कर लो फटाफट, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, ड्राइव करने में क्या लगे, आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच रखोगे
उस माइनस एफ ऑफ करोगे तो क्या आएगा, एफ एच अपॉन एच आएगा, और जीरो पे वैल्यू जीरो है तो माइनस एफ जीरो, तो एफ डैश जीरो आ गया, एफ डैश जीरो आ गया मतलब कॉन्स्टेंट आ गया, तो वाई बराबर के आ गया, वाई डैश, तो वाई बराबर क्या आ गया, के एक्स प्लस सी आ गया, जीरो पे वैल्यू जीरो है तो के एक्स आ गया। अभी ये मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, शायद तुम्हें समझ में ना आया, तुम खुद से करके देखोगे तो यहां से क्या आएगा, वाई बराबर के एक्स आएगा, के एक्स, या फिर वाई बराबर जीरो आएगा, क्योंकि जीरो वाला फंक्शन भी होगा तो जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस जीरो, ठीक है जी। दूसरा होगा, मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आ जाए तो, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा, तो होगा वाई बराबर ए की पावर एक्स, देखो a की पावर x इंटू a की पावर y करोगे तो a की पावर x प्लस y बन जाएगा, बाहर k नहीं आएगा इसमें, अदरवाइज वो फिर k स्क्वायर बन जाता, ठीक है ना, या फिर y बराबर 0 आएगा, 0 प्लस 0 इंटू 0 बराबर 0 प्लस 0, इसी के अंदर मान लो ऐसा दे दे f ऑफ x माइनस y बराबर f ऑफ x इंटू f ऑफ x अपॉन f y For all x y belongs to r minus 0, तो इसमें सिर्फ y बराबर a की पावर x आएगा, ये नहीं आएगा y बराबर 0, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में फिर 0 नहीं आ सकता, तो सिर्फ ये वाला आएगा। ऐसे ही मान लो आ जाए f of x into y बराबर f of x plus f of y, अभी बताया था इसमें x y r plus होगा, r plus है ना, r plus होगा तो ln x आएगा, तो k ln x आएगा, या y बराबर जीरो आएगा। लेकिन अगर इसी के अंदर वो दे दे f ऑफ x अपॉन y बराबर f ऑफ x माइनस f ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r प्लस, तो सिर्फ y बराबर k ln x आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में y जीरो नहीं हो सकता। हाँ जी, क्लियर है ना सबको, हुँ? और चौथा मान लो हो जाए f ऑफ x इंटू y बराबर f ऑफ x इंटू f ऑफ y हो जाए फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r, तो यहां से क्या आएगा, y बराबर या तो x की पावर n आएगा या y बराबर 0 आएगा। तो x की पावर n होगा तो x की पावर n इंटू y की पावर n बराबर x y की होल पावर n बन जाएगा, ये सब वहां से डिराइव कर सकते हो आप, ठीक है ना, तो जस्ट मैं दोबारा बता रहा हूं। अगर f ऑफ x प्लस f ऑफ y बराबर f ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिखा हो और सिर्फ एक्स वाई 0 से 1 के बीच की बात हो रही है, तो आप f x को k tan inverse x बोल सकते हो, k tan inverse x, tan inverse x प्लस tan inverse y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाला आपका फंडा लग जाएगा, क्योंकि एक्स वाई पॉजिटिव होंगे और x से छोटे होंगे, तो उस केस में ये वैलिड है, ठीक है जी। ये 5-4 मैंने कुछ स्टैंडर्ड लिख दिए ताकि कल को कोई क्वेश्चन आए इस पे बेस्ड तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज बेसिक तो है ही, तो डरने घबराने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है ना, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, या पिछला ही क्वेश्चन था जो है ना, पिछला ही क्वेश्चन था जो वो मैं दोबारा मतलब मेंशन कर देता हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन था, टाइम नहीं है अपने पास, कि f ऑफ x इंटू y बराबर f ऑफ x प्लस f ऑफ y था फॉर r, अगर मान लो उसमें बोल दे f ऑफ 2 बराबर 5 है तो f x बता दो, तो अपना सीधा बोलेंगे आंसर क्या, y बराबर या तो k ln x है या y बराबर 0 है, अगर y बराबर 0 होगा तो 2 पे वैल्यू 5 नहीं हो सकती, मतलब ये रिजेक्ट हो गया, तो बच्चा y बराबर k ln x, अब इसकी वैल्यू 2 पे कितनी है 5 है ना, या e पे मान लो e पे है ना, तो e रखा तो ln e रखा तो बना गया इंटू के बराबर कितना आ गया 5, तो k की वैल्यू आ गई 5, तो y बराबर क्या आ गया 5 ln x, ये आपका आंसर हो जाएगा, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो बिकॉज ये आपने प्रूफ करके याद करेंगे, ठीक है जी। तो बेसिक लिमिट डेरिवेटिव तो ये ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन वाला एक पर्टिकुलर है और ये स्टैंडर्ड केसेस है और उसका एप्लीकेशन है, सबको क्लियर है, चलो ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी, तो हो गया अपना पूरा चैप्टर, किसी तरह की कोई कमी पेशी नहीं है, ओके।
थैंक यू।